नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्पल सिक्स टू है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ओके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट है जो हमको यहां पर समझना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ओके द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड एट स्टडी रेट ओके लीनियरली वो डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ई एम एफ एंड करेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ओके तो यहाँ पर सबसे पहले हमको डायरेक्शन को बहुत अच्छे से असाइन करना है न यहाँ पर हमने uh, ये नॉर्थ साउथ है ना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करके रखा हुआ है है ना उन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सेट करके रखा हुआ है तो ये हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और यहाँ पर हमने थ्री में थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है ओके और यहाँ ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली हमने एक प्लेन रखा हुआ है एक क्वाइल रखा हुआ है स्क्वेयर लूप, लूप रखा हुआ है ये वर्टिकली हमने एक स्क्वेयर लूप रखा हुआ है है ना ईस्ट वेस्ट प्लेन में तो हम ऐसा रख देते हैं ये ईस्ट वेस्ट प्लेन ओके और इससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि 45 डिग्री है ना नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ये 90 डिग्री और इससे 45 डिग्री पर ऐसे मैग्नेटिक लाइना फोर्स पास हो रही है है ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसे पास हो रही है मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक लाइना फोर्स यहाँ से 45 डिग्री पर पास हो रही है है ना मतलब कि जो एरिया वेक्टर है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 45 डिग्री तो यहाँ से अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे ओके तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस फोर्टी डिग्री है ना बी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में जीरो पॉइंट वन टेस्ला है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर स्क्वेयर लूप है और जिसका साइड यहाँ पर टेन सेंटीमीटर गिवन है है ना तो एरिया कितना हो जाएगा टेन इंटू टेंडरस टू पावर माइनस टू का होल स्क्वायर स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है ना, A मतलब square, 10 10 क्योंकि है ना ए स्क्वायर मतलब कि उसके साइड का स्क्वायर टेन इंटू टेंडरस टू पावर माइनस टू का मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि यहाँ पर हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना था और कॉस फोर्टी फाइव यहाँ पर वन बाई रूट टू होगा ओके okay? अब अगर हमने ये था इनिशियल फ्लक्स और अगर हम फाइनल फ्लक्स की बात करें तो फाइनल फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड को आपने डिक्रीज़ किया है अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें तो टाइम इंटरवल यहाँ पे जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड हो जाएगा ओके okay, जो गिवन है ई एम एफ अगर हम फेराडेज लॉ की बात करें तो एवरेज ई एम एफ जो होगा वो होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है ना तो माइनस डेल्टा uh, फाई का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यहाँ पर गिवन है ओके okay? और माइनस तो यहाँ पर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं तो माइनस एज इट इज फाइनल फ्लक्स यहाँ पर जीरो है इनिशियल फ्लक्स हमने निकाला है यहाँ पर है ना फाइ इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी यहाँ पर जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड गिवन है ना इन सब का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा E is equal to जीरो पॉइंट वन इंटू टेंस टू पावर माइनस ये टेन इंटू टेंस टू पावर माइनस टू ये अंदर वाला जो है ना ये टेंड टू पावर माइनस वन हो जाएगा और उसका स्क्वायर टेंडर टू पावर माइनस टू हो जाएगा है ना और ये वन बाई रूट सेवन कितना होता है पॉइंट सेवन वन बाय रूट टू कितना होता है पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा पॉइंट सेवन है ना तो यहाँ पॉइंट सेवन से पॉइंट सेवन कैंसिल हो जाएगा और ई e का वैल्यू कितना आ जाएगा टेंडरज टू पावर माइनस थ्री वोल्ट ये हमने क्या निकाला हमने निकाला ई एम एफ क्या निकाला ई एम एफ और अगर आपको करंट फाइंड करना है तो करंट कैसे फाइंड करोगे चलो बताओ करंट कैसे फाइंड करेंगे करंट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं करंट इज इक्वल टू है ना मतलब कि की टेंडर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव है ना तो ये पॉइंट फाइव ऊपर जाके टू हो जाएगा तो आ जाएगा टू इन टू पावर माइनस थ्री एमपीयर तो आप लिख सकते हैं टू मिली एमपियर का करंट फ्लो होगा है ना तो बड़े इजी क्वेश्चन होंगे अगर बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो है ना यहाँ पर हमने फेराडेज लॉ को देखा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ई एम एफ़ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ई एम एफ इंड्यूज इन इक्वाइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थैंक यू वेरी मच